देखिए, अगर आपके WhatsApp में कोई भी साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, कॉलिंग का हो, स्टेटस में कोई साउंड हो, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है आपके WhatsApp में, तो उसे हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में चले जाना है अपने फ़ोन की। तो सेटिंग्स में जाने के बाद एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो ही इस तरीके से सॉल्व होगी। देखिए, अगर हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि आपका स्पीकर कहीं डैमेज तो नहीं हो गया है, स्पीकर में कहीं पानी तो नहीं चला गया है, वगैरह वगैरह कोई भी वजह होगी, तो फिर ये रिपेयर करवाना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, गलत सेटिंग हो गई है, तो यहाँ पर वो सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर सर्च करना है रीसेट। आप यहाँ पर रीसेट सर्च कर दीजिए, ठीक है। ये 2 से 3 सेकंड लेगा सर्च होने में, और उसके बाद यहाँ पर रीसेट आ जाएगा। आपको रीसेट पर क्लिक करना है, यहाँ पर इसे ओपन कर लेना है। देखिए, यहाँ पर आपको डरना नहीं है, आपका कोई भी डेटा मैं डिलीट नहीं कराऊंगा, आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। आपको यहाँ पर रीसेट सेटिंग्स में आना है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, दिस विल रीसेट ऑल द सेटिंग्स ऑन योर फोन एक्सेप्ट सिक्योरिटी सेटिंग्स, लैंग्वेज सेटिंग्स, अकाउंट्स, पर्सनल डेटा, सेटिंग फॉर डाउनलोड एप्स। तो इनमें से कुछ भी आपका डिलीट नहीं होने वाला है, आपको डरना नहीं है, ठीक है। बस आप यहाँ से रीसेट सेटिंग्स कर लीजिए। आपका अगर कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। अभी भी अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हम दूसरा मेथड फॉलो करेंगे। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, व्हाट्सएप को एक बार आप इंस्टॉल कर दीजिए और वापस इंस्टॉल कीजिए। हाँ, अगर आपके इंपॉर्टेंट चैट्स हैं तो बैकअप लेके इंस्टॉल कीजिएगा, नहीं तो आपकी चैट्स भी डिलीट हो सकती हैं, ठीक है। फिर ट्राई कर लीजिए, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार आपको प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप सर्च कर लेना, या तो मेरा सामने ही नज़र आ रहा है, तो यहाँ से बस आपको इसे एक बार अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको चेक करना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व इसीलिए नहीं होगी क्योंकि ये हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको कोई भी रिपेयरर की शॉप में जाना है, 200 से 300 रुपये लेगा, या तो आप सर्विस सेंटर में भी जाकर इसे बनवा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।